हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज देने जा रही हूँ रिगार्डिंग दैट जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो 6th सेम के समर एग्जामिनेशन होने हैं उड़ीसा के, उसके अंदर आपको जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको पूरा का पूरा वैसे समझाया जाएगा कि जो फाइनल एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो 13 पेज की एनेक्से 2 है, इसका एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। जैसे एनेक्से 2 6th सेमेस्टर समय एग्जामिनेशन 2020 गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो गाइडलाइन दी गई है, तो सबसे पहले आपको जो कैंडिडेट टेस्टिंग होगी उसमें आपको जो वेब ब्राउजर चाहिए होगा वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोजिला फायरफॉक्स एंड क्रोम चाहिए होगा। कैंडिडेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इज गिवन बिलो। आपको देस इज ए बेयर मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट टू टेक द टेस्ट सक्सेसफुली। कैंडिडेट शुड नॉट दैट विच वाइल टेकिंग द टेस्ट इन टैब्स एंड सेल फोन नेविगेशन ऑफ इमेजेस इफ एनी विल बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन साइज एंड टेस्ट में इंटरप्ट वेन इनकमिंग कॉल अराइव्स। पहले तो ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन जो रिक्वायर्ड है वो नीचे दिया गया है आपको किस टाइप का चाहिए, और ये बात बताई गई है कि अगर आप टेस्ट कर रहे होंगे, अगर आपके सेल फोन में या टैब में वहां पर कोई अगर मान लो डिफिकल्टी आ सकती है, अगर साइज बड़ा स्क्रीन का साइज अगर छोटा होता है क्योंकि फोन का, और अगर आपकी कॉल आएगी तो आपका ये जो इनकमिंग कॉल आते ही आपकी जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे वो एकदम से बंद हो जाएंगे। और अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई इंटरनेट कनेक्टिविटी विद रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, इसलिए आपकी पावर सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, अन इंटरप्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम से लाइट चली गई और नेट बंद हो जाए, और अच्छी बैंडविड्थ वाला आपको जो आपको ब्रॉडबैंड होगा वो अच्छी बैंडविड्थ वाला यूज करना है। एंड रिक्वेस्टाइज सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन आर मस्ट बी सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ द टेस्ट, और अच्छा सिस्टम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि आपने रजिस्टर कराया होगा, अगर मोबाइल में करोगे तो मोबाइल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मोबाइल में ज्यादा बैंडविड्थ होती नहीं आपके उसकी, आपका अगर वाईफाई कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, वेब ब्राउजर जो है लेटेस्ट वर्जन आपको मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम का यूज करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 7 आपने अगर यूज करना है तो Windows 7 यूज करना है, Mac OS 10.12 यूज करना है, सीरा यूज करना है या फिर Linux यूज करना है। प्रोसेसर Mine 2 Core, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए, और रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसकी 512 MB की होनी चाहिए और 1 से 2 GB उसमें होनी चाहिए प्रेफर्ड, और नेटवर्क बैंडविड्थ अगर मिनिमम 256 KB पर सेकेंड या फिर 512 KB पर सेकेंड, तो आपका बहुत ही अच्छे से आप टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लॉगिन पेज। जैसे ही आप देखिए अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दिया है जिस लिंक पे जाके आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो साइन इन कर सकते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि मैं आपको करके दिखा दूंगी लॉगिन एंड आईडी पासवर्ड, बट मैंने 6th सेमेस्टर का भरा नहीं है फॉर्म, तो मेरे पास इसके बाद आपको 6th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी डालना होगा, इसलिए ये आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही खोलेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, आप लॉगिन आईडी इसमें डालेंगे और उसके बाद इसमें आप पासवर्ड, जो लॉगिन आईडी जो मैंने बताया था कॉमन लॉगिन आईडी और कॉमन पासवर्ड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा से लिख दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद आई कन्फर्म माई अटेंडेंस यहां पर टिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद साइन इन करेंगे, साइन इन करेंगे तो लॉगिन आईडी इज शेड्यूल सब्जेक्ट टू साइन इन, और जैसे ही आप करेंगे तो साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होते ही फिर दोबारा से ये आएगा, लॉगिन आईडी डालेंगे अपना जो आपका वो होगा रोल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सब डालेंगे तो लॉग इन हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद में कन्फर्मेशन पेज टू स्टार्ट, देखिए अब उसके बाद में नहीं उसमें यही डालेंगे, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कॉमन होगा वही डालेंगे इसमें, उसके बाद यहां पर डालेंगे कंफर्म योर डिटेल। जैसे ही डालेंगे तो कंफर्म करना होगा कैंडिडेट नेम, अपना नाम डालना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर यहां पर क्लिक करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और टेस्ट स्टार्ट होते ही पहले ये आएगा, देखिए टेस्ट इंस्ट्रक्शन प्लीज गो थ्रोरली बाय स्क्रोल डाउन एंड क्लिक द स्टार्ट एग्जाम, और उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा। देखिए पहले ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ये इंस्ट्रक्शन से पहले ही समझ लो ताकि वहां पर टाइम खराब ना हो। बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट प्लीज वेरीफाई योर लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी आपने सही डाला है ये देख लीजिए,
और एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, और एक एक नंबर का ईच क्वेश्चन होगा। ईच एमसीक्यू विल हैव 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस दी हुई होंगी, एंड ए स्टूडेंट शेल मार्क हिज चॉइस फॉर एमसीक्यू ऑन द सिस्टम इटसेल्फ। और अपने आप उसे लगाना होगा, चार में से कोई एक ऑप्शन को टिक करना होगा। और हर स्टूडेंट को 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का है। रैंडमली सिलेक्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक अप टू 100 दे रखे हैं, उसमें से आप 80 को सिलेक्ट करेंगे। टोटल टेस्ट ड्यूरेशन इज 120 मिनट, और 120 मिनट टोटल टाइम होगा आपका। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट योर टेस्ट वेन एवर यू हैव कम्प्लीटेड द टेस्ट। जैसे ही आपका टेस्ट कम्प्लीट हो तो सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है, लास्ट में आएगा और आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। डू नॉट क्लोज एनी विंडो डायरेक्टली वेन यू आर टेकिंग द टेस्ट। और कोई भी विंडो को छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको जो ओपन करके दिया जाएगा उस सिस्टम में बैठ के उसी पे करना है। अब है नेविगेशनल इंस्ट्रक्शंस, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, क्लिक नेक्स्ट बटन टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दूसरे पे आएगा, और प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो उससे पहले क्वेश्चन पे दोबारा से भी आप आ सकते हैं। यू कैन बुक मार्क, अब ये वाले फालतू के काम ना करना, सीधे सीधे करना, जो ग्रीन दिखेगा इट मीन्स आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, तो आपको पता लग जाएगा। यू कैन चेंज योर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आप पहले से ही अच्छे से सोच समझ के ही उस पर क्लिक करिए। फॉर एनी क्वेश्चन बिफोर सबमिटिंग टेस्ट मार्किंग एज रिस्पॉन्स आंसर, यू कैन क्लियर योर रिस्पॉन्स फॉर एनी क्वेश्चन बाय यूजिंग क्लियर। अगर मान लो कोई गलत लग रहा है तो क्लियर एक लिखा होगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो वो वाला खत्म हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एवरी टाइम यू सेलेक्ट एन ऑप्शन और ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन क्वेश्चन पैनल। क्वेश्चन आर नॉट विजिटेड आर मार्क्ड एज वाइट कलर। जैसे मैंने बताया वो ग्रीन कलर दिखेगा, और वो वैसा कैसा दिखेगा, जिस पे आप नहीं करेंगे क्लिक तो वो व्हाइट कलर का आपको नजर आने लगेगा। फिर ये देखिए, आई कन्फर्म दैट आई हैव अंडरस्टूड, अब ये इंस्ट्रक्शन आपको समझ आएगी, यही आपको फाइनल एग्जाम में भी मिलेंगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एग्जाम, तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन इस टाइप से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। अब ये देखिए, ये ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, जैसे 70 दे रखा है एग्जांपल की फॉर्म में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिटिडी इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और फोर ऑप्शन में से ये 1 2 3 4 आपको जो सही लगे उस पर ऐसे क्लिक करेंगे। सपोज करो सी ठीक है तो सी पे ऐसे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे देखिए, यूज टू हाइड द पैनल विच इज डिस्प्ले इन द लेफ्ट, ये रहने दीजिएगा, कुछ मार्क द बटन यूज, बस ऐसे हम मार्क कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहां पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, और यहां देखिए क्लियर बटन भी, अगर आपको सही नहीं लगा तो यहां क्लियर करेंगे तो फिर आप ए भी दबा सकते हैं, जो आपका इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। ओके, रिसोर्स इस टाइप से आप करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखिए यहां पर प्रीवियस है, पहले क्वेश्चन पे जाना हो तो यहां से जाओगे, अगले क्वेश्चन पे जाना हो तो यहां से जाओगे, क्लियर करना हो तो ये करेंगे, और मार्क करना है तो यहां से मार्क कर देंगे। जैसे आप मार्क करेंगे इसी तरह यहां से मार्क हो जाएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट बटन से आप अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। समरी रिपोर्ट डिस्प्लेड एज द रिसोर्स ड्रॉप डाउन टू व्यू, जैसे आंसर, अब ये ऐसे आपको समरी, अगर आप समरी पे क्लिक करेंगे, यहां पर समरी भी लिखा होगा, जनरल, रिमेनिंग टाइम, रिसोर्सिस, करंट सेक्शन, इस टाइप से लिखा है, तो ये समरी बन के लास्ट में बन के आएगी आपकी ये समरी। इस टाइप से आपको ये पता लगेगा आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका बी लगाया सी लगाया, इस टाइप से आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में कौन कौन से मार्क किए और कौन सा आपका नहीं हुए वो भी पता लगेगा, और इसे आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हाउ टू एंड एग्जाम, अब इस टाइप से हो जाएगा। आप सपोज करो 100वें क्वेश्चन पे आगे, 100वें के बाद ही आपका एंड एग्जाम होगा। देखिए यहां पर ये भी लिखा आता रहेगा, रिमेनिंग टाइम आपका इतना टाइम बच गया है, उसके मतलब ये देखिए कम होता रहेगा और आपको पता लग जाएगा टोटल। अब जैसे ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन पे आगे, यहां पर आप क्लिक कर देंगे, मार्क हो जाएगा जो भी आपको मार्क ऑप्शन करना है। उसके बाद में एंड द बटन विद द लास्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर 30 मिनट मिनिमम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, और ये जो एंड होगा वो 30 मिनट कम से कम आपको उधर बैठना ही होगा, और उसके बाद में यहां से टेस्ट एंड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हो सकता है यही वाले क्वेश्चन दोबारा से रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसी टाइप से आपका फाइनल ईयर में जो फाइनल टेस्ट होगा अगस्त में वैसा ही होगा। क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले, कॉन्फ़िगरेशन एंड समरी व्यू, ये करने की जरूरत नहीं है, बस आप लास्ट में जब है ना टाइम जैसे ही ओवर होगा तो अपने आप ही ये सबमिट भी हो जाएगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर, जैसे 15 किए आपने 2 मार्क किए, टोटल नंबर इस टाइप से लिखा आएगा। अगर आप यस कर देंगे तो एग्जाम आपका
खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू विश टू गो बैक क्लिक बैक, अगर आप विश करते हैं बैक जाना के तो बैक भी जा सकते हैं। और कन्फर्म एंड टेस्ट, एंड टेस्ट का जैसे ही आप कन्फर्म, पहले तो वो बोलेगा कि एंड कर दें तो यस करोगे, तो फिर उसके बाद में ये ऑप्शन आएगा कन्फर्म एंड टेस्ट, तो कन्फर्म करेंगे तो आपका टेस्ट कन्फर्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में थैंक यू आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली, और लास्ट में आपको एग्जिट कर देना है। क्लिक करेंगे एग्जिट बटन पे तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी और आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये है आपकी वीडियो एनेक्सर 2 जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दी गई है कि कैसे आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।